आए मेरे भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, ये गीत मूल निवासी बहुजन वासी चैनल से जा रही है, जो आपका चैनल है। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और मन्नत रिकॉर्डिंग सेंटर कोलघाट आजमगढ़ की ओर से ये गीत दी जा रही है। बाबा साहब अंबेडकर एक बात कहे थे कि हिंदू धर्म में जन्म लेना ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं ये मेरे बस की बात। और बाबा साहब अंबेडकर धर्म की शरण में क्यों गए? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जानते थे कि भारत से जातियों का नाश करने के लिए, इस देश में मूल निवासी समाज को एक करने के लिए भारत को बुद्धमय बनाना पड़ेगा। क्योंकि धम्म एक ऐसी दीक्षा है, धम्म कहता है मानो मानो एक समान, बुद्ध धम्म की ये पहचान। धन कभी इंसान को जातियों में नहीं देखा। समय आई और समय आते ही बाबा साहब अंबेडकर ने ऐलान कर दिए कि अब मैं हिंदू धर्म का प्रत्याग कर रहा हूं, मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता। तो गीत की लाइन में लिखना पड़ा क्या है, बचपन से इच्छा एक रहल बड़ी भारी हो, रहल बड़ी बौद्ध धम्म ग्रहण कैले, बौद्ध धम्म ग्रहण कैले सोच विचारी हो, नागपुर दर में नवा भीमा जी, नागपुर दर में नवा भीमा जी, भैले पंडित जी का काहे दुख मनवा भीमा जी, साहब अंबेडकर धम्म दीक्षा लिए। एक दो सौ लोगों के साथ नहीं, 5 लाख लोगों के साथ धम्म दीक्षा कब लिए लाइन बता रही है। ओ 1956-14 अक्टूबर का दिनवा, छप्पन 14 अक्टूबर को बाबा साहब अंबेडकर धम्म की शरण में चले गए और वही उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दोहराया कि मैं ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण को देवता नहीं मानूंगा।
चंद्रमणि भंते जी तीसरण पंचशील ग्रहण करवाते हैं और धाम की सारी दीक्षा बाबा साहब अम्बेडकर को बड़े विधवत देते हैं। इसलिए कहना है जय हो। ओ 956 14 अक्टूबर का दिनावा बाबा साहब अंबेडकर को धाम की शरण में जाते ही मनवादियों को कील चुभने लगी। 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब धाम शरण में गए और ठीक लगभग 1.5 महीने बाद अकस्मात बाबा साहब अंबेडकर की मौत होती है। 14 अक्टूबर को गए, अक्टूबर के बाद नवंबर 6 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर धरती को अलविदा करते हैं। लेकिन भारत के लोगों को ये बता करके गए थे कि आए मेरे भारत के मूल निवासी समाज के लोगों, मेरा ये मिशन है भारत को हमें भारत की तहजीब में लाना है, भारत की हैसियत में लाना है, तो हमें पूरे भारत को बौद्ध में बनाना पड़ेगा। यही कहना बाबा साहब अंबेडकर के लिए कठिन हो गया। लेकिन मैं गीत के माध्यम से अपील करता हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर को अगर मानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को अगर जानते हैं, तो धर्म पर अध्ययन करना पड़ेगा। कहना है धाम को यहाँ से खत्म कर दिया गया था, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर 14 अक्टूबर 56 को पुनः फिर धाम को जिंदा करते हैं और लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग बाबा साहब अंबेडकर के साथ धाम की शरण में गए हैं। इसलिए लाइन कह रही है कवार साहब जो अधिकारी थे, उन्होंने भी सब कुछ छोड़ करके बाबा साहब अंबेडकर के साथ धाम में जाते हैं। तो लाइन हमारी संकेत कर रही है पीके गए कवार किसी जवनवा भी भैले पंडित जी कटा है दुश्मनवा भी भैले क्यों
पंडित पागल हो गए, इसलिए पागल हो गए कि जो धाम में चला गया वो हमारे पाखंड को समझ गया। धाम को जानने वाले, धाम को मानने वाले, बुद्ध पर स्मरण करने वाले जानते हैं कि इस देश में देवी देवता नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए लाइन हमारी पुनर फिर बता रही है, प्रतिज्ञा की दीक्षा लिए भारी, पंडित कपड़काया है दूत मनवा भैले, पंडित कपड़काता है दूत मनवा। या तो राजकुमार देखा गीतिया सुनावला, पंडित जी का ही बड़का दूत मनवा भीम जी, पंडित जी का बड़का दूत मनवा हो। क्या बात है, जय भीम।